एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं हमारे यहाँ पर सफाई हमारी स्टार्ट चमड़ी उतर रही है। कहाँ उतर रही है मेरे को दिखा, कैसे उतर रही है ये, कैसे उतरी? आपे मतलब बोतल दे दी। बोतल तो इतनी अच्छी दी थी मैंने। तो देखो हमने मेले में से क्या शॉपिंग की, ये वाले सॉक्स। ये अच्छे से वाइट वाइट हो गए, इसके दाने बिल्कुल बड़े बड़े हो गए, फुले फुले से घी, क्योंकि ये घी में फ्राई हो चुके हैं। बन के रेडी है, इसमें थोड़ी देर इसको दूध के साथ उबलने दिया और इसके अंदर केसर का पाउडर, केसर इलायची का पाउडर, शक्कर सब मिक्स करके जैसा नॉर्मल खीर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं हमारे यहाँ पर सफाई हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एक रूम की सफाई ऑलमोस्ट अभी डन हुई ही थी और मेरे को बुखार आ गई, जिसमें कि आज मेरे को 4 से 5 दिन हो गए हैं आज मैं बेड से उठी हूँ। 2 दिन बीच में रेस्ट मिला, बुखार सही हुआ, वापस 2 दिन भागा दौड़ी में रह गई, फिर बुखार आ गई, कल मैं फिर पूरा दिन सोई और आज वापस से उठी हूँ। सो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरे रूम की सफाई कर लूँ। सो इनकी भी शॉप पर काम है और आज मैं सोच रही हूँ पूरा रूम इस बार खाली ना करके एक एक अलमारी और एक एक वॉल को अच्छे से साफ करके वापस से जमा देंगे। सो 11:30 सारे काम से, झाड़ू पोछों से, कपड़ों से, सबसे फ्री होके ना धो के अब मैं लगने वाली हूँ सफाई में, क्योंकि खाना मम्मी जी बना रहे हैं तो मैं भी सफाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले कौन सी अलमीरिया खाली करूँ यही पता नहीं चल रहा। 1, 2, 3 इन तीनों में से कौन से स्टार्ट करूँ, कौन से पहले जमाऊँ, कौन से में से क्या क्या निकालना है, बहुत कुछ। दिवाली की सफाई में बहुत कुछ ऐसा होता है कि निकालना भी होता है, रखना भी होता है। तो देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। मैं सोच रही हूँ पहले मैं इसको खाली कर दूँ, उसको खाली कर दूँ, लास्ट में इसको खाली करूँगी ताकि इनके लास्ट में ही जमाऊँ। सो मैं पहले इसको खाली करने वाली हूँ। इन कपड़ों को इस अलमारी में शिफ्टिंग करनी है और इस अलमारी के अंदर जो भी है वो बेड में शिफ्ट करना है। सो है तो सारा गोल गोल काम, पर शुरुआत करेंगे तभी होगा। सो मैं पहले इनको नीचे उतारती हूँ। इन सबको उतारने में भी मेरे को इतना जोर आ रहा है, इतना आलस आ रहा है। भाभी जी। हाँ जी। मेरे को बंदूक नहीं ना, मैंने इधर लगी थी बंदूक। वाओ, आपकी बंदूक, लवी की बुक, बहुत सारी चीजें पड़ी है मेरे रूम में। तो इन सामानों को ही मुझे निकालने में इतना आलस आ रहा है, इतना आलस आ रहा है, क्योंकि इन सब को निकाल के मेरे को वापिस से जमाने। हाँ मम्मी, ज्यादा करो मत, मुझे बनाएगा ये अलमारी, ये अलमारी बाल मेरे पूछे में जमाते हैं, ये अलमारी में दो काले बजे ड्रेसिंग है, ये यूं कर लीजिए, दो अलमारी ज्यादा नहीं है। भगवान की है क्या, बुखार आ जाएगा क्या, माता जी अगर मम्मी ने कहा मेरे को सफाई करने के लिए। ऐसी चल रही, हाँ थोड़ी चल रही, कड़ी बात है, हमको चलो बंद करो, उनकी क्या आवाज आती है, मैं लोग चल रहा है। इसमें इनके कपड़े भी है, मेरे कपड़े भी है। मैं अगर इनके कपड़े बाहर निकाल दूं तो ये मेरे को रूम से बाहर निकाल दे, क्योंकि ये बोलते पूरे कमरे में तो तेरी तेरी चीजें हैं, मेरे लिए एक ताक भी नहीं है तेरी अलमीरा में, इसलिए मेरे को इनको इनको जगह पहले देनी होती है। तो पहले मैं मेरे सारे सामान को बाहर निकाल देती हूँ। ये वाला पर्स मैंने खरीदा था,
ऋषभ ने की शादी की शॉपिंग चल रही थी और हम लोग उदयपुर गए थे, तब मैंने ये बाय किया था और बहुत अच्छा ये वाला पर्स निकला, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ। इसको सिंगल लेस भी कर सकते हैं। तो ये है मेरी सोनोग्राफी, जो कि मेरे ना पीरियड जब रेगुलर नहीं थे तब की है। कमरे में ही हो रही है ना हमारी सफाई, सब जगह कहाँ हो गई। अभी तो नीचे वाला रूम हुआ, रूम हो गया और बस अभी तो ये अभी स्टार्ट किए वापिस, नीचे वाला रूम हुआ था पहले। हाँ नीचे वाला रूम हो रहा ये कर। तो ये है रूम फ्रेशनर, अच्छी आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। क्या मैं फेवरेट कलर आते हैं दो, एक तो ऑरेंज और एक एक ब्लू। क्या हुआ, चलो पेन मिल गया। ओके चमड़ी उतर रही है, कहाँ उतर रही है मेरे को दिखा, कैसे उतर रही है ये, कैसे उतरी, कछुए की भिंडी काट रहा था। ओहो शिवा कितना बड़ा हो गया, अब क्यों आप कट गई, मेरे फोन आ रहा है, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा बता, किसने तोड़ा और कैसे तोड़ा, किसने तोड़ा और कैसे तोड़ा। ओ अब शिव की तो पिटाई होगी, मुगाड़ दें तू थोड़ा, अब तो पापड़ बराबर छोड़। आ बेटा फिर काट के देते हैं। हाँ अरे हाँ जाऊँ, आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा के दिन मेरे बर्थडे आता है। हैप्पी बर्थडे, मेरे गिफ्ट का है। हैप्पी बर्थडे, कार्टून पे का डावा पग में जीवता रो जग में, उल्टा बोलिया जीवता रो जग में कार्टून भागे डावा पग में, ऐसे बोलते गिफ्ट का है मेरा गिफ्ट ये गिफ्ट तो नहीं क्या आप मेरे को आप ही मैंने बोतल दे दी बोतल तो इतनी अच्छी दी थी मैंने ब्लूबेरी वाली, ये शानदार चाट मसाला दे रहा हूँ मैं तेरे को कोर्ट में डालने के लिए। मैं सफाई करते करते आ गई हूँ किचन में, मेरे को भी भूख लगने लगी है, तो मैं पहले खाना खा लेती हूँ, बिखरा बेसा का बेसा है कमरे में। खाना खाने के बाद वापस से शुरू करेंगे सफाई अभियान। तो खाना खाने और खिलाने में बज गई है डेढ़, मतलब कि मैं 11:30 बजे लगी हूँ और अभी डेढ़ बज चुकी है। और आज खाना हमने खाया है दाल बाटी, जो कि अब यूँ लग रहा है कि बस सो जाना चाहिए, आज काम छुट्टी मार लेनी चाहिए, क्योंकि राजस्थानी खाने में ऐसा रहता है कि बाटी खाई और बस सो जाओ और पानी पियो बस, पर ऐसा नहीं होगा, हमारे को सफाई कंटिन्यू करनी रहेगी। पड़े हुए हैं उसका मैं कट करने वाली हूँ इसकी साइज के साथ, और इसको कट करने के बाद बिछा कर वापस से जमानी है मेरे को साड़ी दो, तब पता चलती है वाकई में। मेरी मम्मी सही कहती थी मेरे को कि खुद से करोगे तब पता चलेगा कि क्या होता है काम करना, वाकई में जब खुद पे आती है तब सब चीजों का पता चलता है।
क्योंकि मैंने सारे इसके अंदर रखा हुआ है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, मेरे पास सारे तरीके मेरे पर्स में रखे हुए हैं। मम्मी से कल ये क्या कर रहे हो आप? बस हो गए, थोड़ी और सफाई बाकी है। बाय मामी जी, जा रहे शिबू? ले शिबू को मारो, ले ले ए शिबू को ले ले, ये शिबू है ना हमारे, है ना सफाई करावाने आया है ना, सफाई करने के लिए आया। हां कहते हां हां सफाई करने आया मम्मी हाल में मामी जी के बड़ा ने क्या किया काम आज, किचन धोया? अच्छा ठीक है भाई। तू जा रहे क्या? गाड़ू में मतलब कहीं जाना हो ना, तो मतलब मेरे को पर्स चेंज नहीं करना रहा, इसलिए मैं इसको यूज करे जा रही थी बट अब इसको नहीं करूंगी मैं, इसको अब गेट आउट कर दिया है मैंने। देखो मैंने पाँव पे भी लगा दी, हाथ पे भी लगा दी, लग रहे ना आप सुंदर सुंदर से, हाथ भी और पाँव भी कितने गंदे लग रहे थे बिना नेल पॉलिश। अभी इतना सारा बिखरा है, कब समेटूंगी मैं इनको, देख देख के ना मेरे को नींद से आने लगी है। और ये देखो मैंने इतनी खाली कर भी दी और वापस से जमा भी दी। तो मैंने वो वाली अलमीरा तो कम्प्लीट हो गई है, बस इस पर मेरे को अब ये वाले यहाँ शिफ्ट करने हैं, ऊपर वाले मैंने वापस से क्लीन करके। तो देखो हमने मेले में से क्या शॉपिंग की, ये वाले सॉक्स जो कि मैं अभी पहन के दिखा रही थी लवी को, ये देखो पाँव में कैसे लग रहे हैं, समर के हैं ये, विंटर के नहीं है, मेरे को तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम पतले से घोरे घोरे से पाँव दिख रहे हैं। अच्छा है। और एक ये जैसा कि मैंने बताया था, एक मैंने लिया था मफलर जो कि मेरे लिए ही है, इनके लिए सॉक्स लिए जो कि ये है इनके सॉक्स, और इसमें है मेरे वाले सॉक्स और मेरे कैचर, और मैंने ली थी चप्पल। करते दिन से रात हो गई तो भी अभी तक बिखेरा करने का है। अब 10 मिनट का काम है बस, 10 मिनट देखते 10 मिनट में होता है कि नहीं होता है। मैं चाहूँ तो इसको 10 मिनट में कर सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ थोड़ी देर में रेस्ट करके फिर करूँ। रूम में तो मैंने झाड़ू पोछ कर दिए हैं, अब मैंने दीपक जी की चाय बनाई और अभी मैं बर्तन जमा रही हूँ। मैं दिखाती हूँ रूम मेरा कैसे क्या हुआ है। मैंने जमाई इसका, मैंने कर्टन खोला है और इसको वापस से वॉश करके वापस से लगाएंगे। ये वाली तो एकदम रेडी, कंप्लीट कर दी मैंने इसको अभी, कल या परसों इसको, और आज शरद पूर्णिमा है जैसा कि, तो यहाँ पर सांवलिया सेठ के मंदिर में भी खीर बनेगी, चार भुजा जी की भी बनती ना, जोर से बोला ना। हाँ तो चार भुजा जी के मंदिर भी बनेगी और हम घर पर भी बनाएंगे, और फिर थोड़ी सी देर या फिर पूरी रात छत पर रखेंगे चांद की रोशनी में, और फिर या तो मॉर्निंग में या फिर नाइट को ही सब प्रसाद लेंगे। और अभी तो किचन में चलते हैं, खीर बनाते हैं, बर्तन में रख के आई हूँ उनको, मैं जमाऊँगी। और आपकी क्या खाना है, क्यों क्या खाया आपने बुगनी है? ले आप ऐसे क्या हो, सुस्त सुस्त दिखते हो, क्यों वाई? फिर लोग कहते हैं कि दीपक जी आपसे प्यार नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं बस, है इतना क्या शर्माते हैं? देखो देखो छावे की खीर बनाएंगे, तो इसमें पहले हमने घी गरम रख दिया और ये इधर मम्मी जी धो रहे सावा और डालो इसको, फिर घी में अच्छे से सेकेंगे। शिवू हाँ हाँ वो भी फिर पाएंगे सब। बहुत है क्या चीज़ ना।
ये अच्छे से वाइट वाइट हो गए, इसके दाने बिल्कुल बड़े बड़े हो गए, फूले फूले से घी, क्योंकि ये घी में फ्राई हो चुके हैं। अब इस पर हम डालेंगे दूध। बनके रेडी है, इसमें थोड़ी देर इसको दूध के साथ उबलने दिया और इसके अंदर केसर का पाउडर, केसर इलायची का पाउडर, शक्कर सब मिक्स करके जैसा नॉर्मल खीर में डालते हैं वैसे बना के हम भगवान को भोग लगाएंगे और थोड़ी सी छत पर रखेंगे चांद के रोशनी में, पूरी रात रहेगी और मॉर्निंग में फिर हम उसका भोग लगाएंगे। अभी फ़िलहाल में भगवान को भोग लगाते हैं। जी ने कुछ ज़्यादा ही ऊपर रखा है ये बर्तन खीर वाला, तो इसको छलनी से ढका हुआ है। और चांद देखो कितनी रोशनी है इस चांद की, कि आज बिना लाइट के भी इतना क्लियर, इतना क्लियर दिख रहा है सब कुछ। और मुझे अच्छा लगता है शरद पूर्णिमा का चांद, शरद पूर्णिमा हो या पूर्णिमा हो, मुझे चांद बहुत अच्छा लगता है, चांद की रोशनी।